नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान झोंपड़ी में लगी आग की चपेट में आकर दो मां बेटी की मौत हो गई। ये मामला आजकल देश भर की सुर्खियों में बना हुआ है। आपने भी अब तक इससे जुड़ी खबरें जरूर देखी होंगी। इस मामले में कानून गो SDM समेत 9 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई। घटना ने कानपुर देहात जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। जिस बाबा के बुलडोजर को पेशेवर अपराधी और माफियाओं के काले साम्राज्य का खात्मा करने के लिए जाना जाता था, वही आजकल खलनायक बना हुआ है। इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। जातिवाद के सूरमा योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ CM योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुखद बताते हुए SIT के साथ साथ मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन आइए इस सियासत से परे बात तथ्यों पर करते हैं और ये जानते हैं कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, मडौली गांव में ही रहने वाले दोनों पक्षों के बीच विवाद आखिर क्यों खड़ा हो गया, जिसकी वजह से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को हटवाने के दौरान यह हादसा हुआ और जिसमें प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा की मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल दीक्षित बुरी तरह से झुलस गए। दरअसल रूरा थाना क्षेत्र के मडौली गांव में ही पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित का परिवार और आरोपी दीक्षित परिवार रहते हैं। FIR में मडौली गांव के दो दीक्षित परिवार के लोग नामजद किए गए। सिपाही लाल के बेटे अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित और गेंदा लाल के दीक्षित के बेटे विशाल दीक्षित को भी इसमें नामजद किया गया। पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित के दोनों ही दीक्षित परिवार पड़ोसी हैं। गांव में आसपास ही तीनों घर भी बने हुए हैं। SDM मेथा और DM कानपुर देहात को विशाल दीक्षित ने ही ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके निर्माण करने की शिकायत दी थी और लेखपाल की रिपोर्ट के बाद 14 जनवरी को जिला प्रशासन ने कृष्ण गोपाल दीक्षित के बनाए गए मकान को बुलडोजर से गिरा दिया था। मडौली गांव में जिस जगह पर कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी और बेटी की जलकर मौत हुई, ये गांव का बाहरी हिस्सा है। दस्तावेजों में ये गाटा संख्या 1642 पर दर्ज है और जिसका क्षेत्रफल 0.657 हेक्टेयर है। इसमें से लगभग 0.600 हेक्टेयर कृष्ण गोपाल दीक्षित और उनके परिवार का कब्जा उसके ऊपर है। करीब 100 साल से कृष्ण गोपाल का परिवार जो है वो इस जमीन पर कब्जा किए है। कृष्ण गोपाल के पूर्वजों ने यहाँ पेड़ लगाए थे, उनको जरूरत हुई तो उन पेड़ों को काटकर खेत में मकान बना लिया था। इसी जगह के पीछे आरोपी विशाल दीक्षित का भी खेत है। पूर्वजों के जमाने से चले आ रहे इस कब्जे के बाद अब जब जमीन की कीमतें बढ़ने लगी हैं तो विशाल ने आसपास के खेतों के दस्तावेज खंगालना शुरू किया। तो फिर इससे पता चला कि जिस जगह पर कृष्ण गोपाल दीक्षित का परिवार बसा है वो ग्राम समाज की जमीन है जिस पर कब्जा करके मकान बनवाया गया है। विशाल ने DM कानपुर देहात से इसकी शिकायत की और 14 जनवरी को कृष्ण गोपाल दीक्षित के मकान को गिरा दिया गया। 14 जनवरी से को की गई कार्रवाई के बाद 27 जनवरी को विशाल दीक्षित ने फिर एक लिखित शिकायत की कि सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण पूरी तरह से अभी नहीं हटा है। वहां 18 जनवरी को चबूतरा बनाकर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया और निर्माण कार्य हो रहा है। विशाल दीक्षित की इसी शिकायत पर 13 फरवरी को ही SDM मेथा ने सरकारी जमीन पर कब्जे को पुलिस फोर्स के साथ हटाने का आदेश दिया। दरअसल विशाल दीक्षित चाहता था कि सड़क किनारे अगर ये सरकारी जमीन खाली हो जाएगी तो उसके ठीक पीछे का उसका खेत सड़क के सबसे नजदीक होगा तो फिर उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आरोपी बनाए गए दूसरे सिपाही लाल दीक्षित के परिवार से भी इसी सरकारी जमीन को लेकर मनमुटाव था। दरअसल अशोक दीक्षित ने लेखपाल की मिलीभगत से अपनी बहन के नाम पर इसी सरकारी जमीन का एक पट्टा करवा लिया था। पट्टा तो करीब 10 साल पहले हुआ था, लेकिन अब अशोक अपनी बहन को बसाने के लिए उस सरकारी पट्टे पर निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन इस सरकारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर कृष्ण गोपाल के परिवार का कब्जा था। लगभग 4 महीने पहले इस सरकारी जमीन पर पट्टे को लेकर दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ था, जिसकी वजह से जब विशाल ने सरकारी जमीन खाली कराने के लिए लिखा पढ़त शुरू करवाई तो अशोक भी उसमें उसकी मदद करने लगा। कानपुर देहात में हुई इस घटना में सरकारी जमीन के लिए दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव और फिर झगड़ा शुरू हुआ था और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो सारी घटना आपके सामने है।
तो ये थी कानपुर देहात मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।